वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 17 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो साथियों ये बनाया जाएगा उज्जैन में। अब उज्जैन में बनाया जाएगा तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उज्जैन कौन सी रिवर के किनारे है। अब साथियों राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है गवर्नर? कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी बिहार भी साथियों कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत जो की गई है साथियों ये झारखंड के द्वारा किया गया है। साथियों इसका उद्देश्य क्या है? तो जरूरतमंदों को 3 कमरे साथियों मिलेगा, साथियों 3 कमरों का घर मिलेगा, इसका यह उद्देश्य है। अब झारखंड में शुरू किया गया है तो झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। साथियों झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के, और यहाँ पर राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है? 14। साथियों आपको बताना है राज्यसभा का वर्णन और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इस बात की जवाब देनी है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों ये एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो ये हॉकी से संबंधित है और ये जीता कौन है? तो भारत ने जीता है और उप विजेता कौन था? तो मलेशिया साथियों था, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालंपुर। क्या है? तो कोलालंपुर साथियों। अब देखो साथियों हॉकी के साथियों भारतीय कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह थे साथियों। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। अब हॉकी साथियों, हॉकी में कौन कौन से कप और ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो देखो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी में दिए जाते हैं साथियों। साथियों मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपका, देखो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप साथियों हॉकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन सेकेंड में साथियों विनर कौन है? तो विनर साथियों हैं एलविस यादव। कौन है विनर? तो एलविस यादव साथियों। इन्हें 25 लाख रुपए कैश और एक चमचमाती ट्रॉफी दी गई है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा साथियों? तो इसका आयोजन किया जाएगा डेनमार्क में और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कॉपेनहेगन साथियों। साथियों जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है साथियों? तो लंदन है ब्रिटेन की राजधानी साथियों। अब साथियों बैडमिंटन साथियों, तो बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप दिया जाता है साथियों। ब्रिज में राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी ब्रिज में दिया जाता है। पोलो में एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप और राधा मोहन कप और क्लासिक कप को साथियों पोलो में दिया जाता है। गोल्फ में वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जाता है साथियों। किस खेल में? तो गोल्फ में साथियों। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो बैडमिंटन में दिया जाता है नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ब्रिज में राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी ब्रिज में, पोलो में एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप दिया जाता है पोलो में, गोल्फ में बाकर कप,
सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जाता है किस खेल में? तो साथियों गोल्फ में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में साथियों स्थित है? साथियों अभी हाल ही में ये फटा है तो ये किस देश में स्थित है माउंट एटना? तो ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में। साथियों अब इटली में स्थित है तो जानते हैं इटली के बारे में, इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सोर्जियो मेट्रेला। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रोम कौन से रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का कौन सा राज्य पहला फ्री IVF वाला सरकारी अस्पताल बना है साथियों? तो गोवा। साथियों गोवा भारत का पहला राज्य बन गया जो फ्री IVF वाला सरकारी अस्पताल बना है। साथियों अभी अब ये IVF क्या है? तो देखो IVF का अर्थ है इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। क्या? तो जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। और ये फ्री में करने वाला जो राज्य बना है वो कौन बना है? गोवा बना है। अब गोवा बना है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। साथियों क्या राजधानी? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है साथियों? तो CP PS श्रीधरन पिल्लई जो है साथियों ये गोवा के गवर्नर है। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। साथियों CP राधाकृष्णन कहाँ के गवर्नर है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। साथियों गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथियों गोवा में है दूध सागर झरना और नंदा झील। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है साथियों। और साथियों दूध सागर झरना कहाँ है? गोवा में है साथियों। साथियों लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है लोनार झील। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। और हेरिटेज फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में साथियों। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। अब अगला प्रश्न आपका है, मोहम्मद हबीब साथियों ये भारत के हैं मोहम्मद हबीब और इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध साथियों फुटबॉल से है मोहम्मद हबीब का। और ये किस देश के हैं? तो भारत के हैं। अब साथियों फुटबॉलर है ये तो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। साथियों इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। साथियों फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। साथियों स्विट्जरलैंड से एक और प्रश्न याद रखना कि स्विट्जरलैंड को साथियों बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों स्विट्जरलैंड में जनेवा है जहाँ पर साथियों WHO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। साथियों फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। अब साथियों फुटबॉल में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप हैं जैसे कि DCM ट्रॉफी, दुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप साथियों ये दिया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खो खो में 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 4। साथियों फिर से देखते हैं एक बार, रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं साथियों? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं साथियों? 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? 4। और फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 साथियों। अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दुरई स्वामी को नियुक्त किया गया है LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में। साथियों, अब साथियों, LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राज्य कोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर है? साथियों, तो साथियों महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर, छत्तीसगढ़ साथियों आपका सेकेंड स्थान पर है, ओडिशा साथियों आपका थर्ड स्थान पर है और तेलंगाना है फोर्थ स्थान पर इसमें, और महाराष्ट्र का रैंक क्या है? 1 किसमें? तो राज्य कोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में साथियों, और इस रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है वो रहा है किसका? तो पश्चिम बंगाल का रहा है साथियों। अब साथियों, महाराष्ट्र रहा है प्रथम स्थान पर, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। कौन है साथियों? तो एकनाथ शिंदे है। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ है? महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। देखो साथियों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथियों, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में, और पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। साथियों, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। साथियों, कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न आपका था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। दूसरा मैंने किया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जबकि बड़ा जिला है साथियों पश्चिमी चंपारण। ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, और कानपुर भी साथियों है गंगा रिवर के किनारे। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न है, भारत की रोटी की कटोरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? दूसरा आपका है, भांगरा किस राज्य का लोक नृत्य है? और तीसरा आपका है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।